हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा का बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो इसके आउटर कवर कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेज में आती है और इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक टब टाइप का कंटेनर है जिसमें हमारा स्क्रब आता है। और ये है इसकी इनर पैकेजिंग। ये रहा हमारा कंटेनर और इस कंटेनर के ऊपर प्रोडक्ट रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ये 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और दिस इज नॉट ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ये क्लेम करते हैं कि ये 100% नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है और ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक थेरेपी की तरह काम करता है आपकी स्किन पर। और स्क्रब कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए अब इस स्क्रब को हम ट्राई करके देखते हैं। तो जब भी आप स्क्रब करें, सबसे पहले आपकी फेस पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई फेस वॉश यूज कर सकते हैं या फिर कोई माइल्ड क्लेंजर का यूज करें अपने स्किन टाइप के हिसाब से। यहाँ पे हमने फेस को क्लीन कर लिया है, अब हम स्क्रब को ट्राई करेंगे। आप अपने फेस के हिसाब से सफिशियंट अमाउंट ले लें स्क्रब का और अपने फेस पर, नेक पर और दोनों ईयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लें। उसके बाद आपको अपने फिंगर्स को पानी से वेट कर लेना है और हल्के हाथों से स्क्रब करना है, यानी कि हल्के हाथों से मसाज करना है। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है अपने नोज और चिन एरिया में, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी के साथ अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होंगे वो लूज हो जाएंगे और स्क्रब करते करते वो रिमूव हो जाएंगे और आपके डेड स्किन भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। पैक पर लिखी हुई है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, तो मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। ये जी हाँ, ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप को, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक पैच टेस्ट ले लें, उसके बाद ही इसे ट्राई करें। और पैक पर यूज करने का तरीका लिखा हुआ है, मसाज ऑन वेट फेस एंड नेक विथ फिंगर टिप्स, अवॉइड आई एरिया, रिमूव विथ वाटर और डैम्प वॉश क्लोथ, यूज डेली और एज नीडेड। तो स्क्रब ऐसी चीज़ है जिसको डेली यूज किया नहीं जाता, आपको वीक में इसको दो ही बार यूज करना है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो तीन बार, उससे ज़्यादा नहीं, डेली तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ये इंडिया में पहला प्रोडक्ट है जिसमें स्क्रब में टैन रिमूवल प्रॉपर्टीज है। तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 5 मिनट आप अपने फेस पर इसे लगा रहने दें, क्योंकि टैन रिमूवल है तो टैन रिमूवल को तो अपने फेस पर रखना पड़ता है, उसके बाद फिर आप इसे वेट करके फिर से मसाज कर लें और फिर आप इसे वेट टॉवल से वाइप आउट कर लें या फिर अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लें। इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पपीता फ्रूट एंड सीड्स, केला फ्रूट पल्प, खजूर फ्रूट पल्प, नीम बर्क यानी कि नीम के पेड़ की जो छाल होते हैं उसे कहते हैं, मेथी सीड्स, और इसमें आम बीज, बीज वैक्स, कीकर गम, मूंगफली ऑयल एंड प्यूरिफाइड वाटर का यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस की। तो इस पे जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 199 रुपीज़, बट मैंने इसको बिग बाज़ार से ख़रीदा था, तब वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही थी, तो मुझे ये 175 के अराउंड मिल गया था। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको ऑनलाइन में कुछ ना कुछ ऑफ़र मिल ही जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है इस प्रोडक्ट के साथ, तो मैं इसे ज़रूर रेकमेंड करूँगी। इसे हर किसी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और एक सवाल, क्या मैं इस प्रोडक्ट को रीपर्चेज करूँगी? जी हाँ, मैं इसे रीपर्चेज ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट का बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मुझे अपने स्किन पर देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।